नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार, उनके द्वारा लाइव AWPL फाइटर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए गए, जिसमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के कुछ उपाय, इसके अलावा ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इत्यादि डायरेक्टर्स के लिए कुछ योजनाएं, इन सारी बातों की चर्चा लाइव होकर संजीव सर ने कहा। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा उन्होंने लाइव क्या कहा। एस्क्लेपियस परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और आपका परिवार भी सेफ होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों आज का लाइव आने का एक कारण है क्योंकि आज की जो सिचुएशन चल रही है, जो मार्केट के अंदर या देश के अंदर या विदेशों के अंदर आज का जो ये कोरोना काल चल रहा है, जो पैनडेमिक सिचुएशन चल रही है, मैंने कहा क्यों ना अपने लोगों से मिल के एक बार बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 19 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था और आपने जन्मदिन की मुझे विशेष दी, उसके लिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, अगर तो उन्हें हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। आप सब लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान आपने दिया, मैं कह रहा हूँ कि जन्मदिन के दिन मैं अभिभूत हो गया कि क्या परिवार है हमारा, क्या लोग हैं हमारे, कितना प्यार करते हैं हमारे लोग हमसे। तो दोस्तों ये मोहब्बत, ये प्यार ऐसे ही बना के रखना। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सही रहें, हम सब लोग एक अच्छी ज़िंदगी जिए, साथ में रहें, सफलता साथ में प्राप्त करें, एक दूसरे के लिए चिंता करें, एक दूसरे के काम आए, यही इस जन्म का मूल्य है, यही इस जन्म का अर्थ है कि हम सब एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहें, एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएँ अच्छी रहें, सच्ची रहें और हम सब एक दूसरे के लिए काम करते रहें। दोस्तों आज की जो ये कोरोना का भयंकर कह सकता हूं मैं, कोरोना सुनामी कह सकता हूं या कोरोना काल कह सकता हूं, जो सिचुएशन है इससे बहुत 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं, टीवी देखता हूं, चैनल देखता हूं, न्यूज देखता हूं, तो मेरे मन में विचार आया कि यार एक बार इस सिचुएशन के बारे में अपने परिवार से बात करनी चाहिए, अपने लोगों से बात करनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे हमें अपने आप को सेव रखना है। दोस्तों ये जो UK स्ट्रेन जो कोरोना का आया है, इसको समझना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काम, बिजनेस ये सब होता रहेगा। आज की सबसे बड़ी जो नीड है, जो जरूरत है, वो है कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे और SLPS परिवार का हर फाइटर सुरक्षित रहे। और ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि SLPS के फाइटर जीतना जानते हैं, कोरोना क्या, कोरोना क्या, कुछ भी आ जाए वो हमेशा जीतते रहें, जीतते रहेंगे और अपने आप को साबित करते रहेंगे, लेकिन हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम कोरोना के इस न्यू स्ट्रेन की। दोस्तों ये जो न्यू स्ट्रेन कोरोना का है, जो UK से आया है, इसकी स्प्रेडनेस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज गति से फैलता है। जैसे पहला जो कोरोना था उसको स्प्रेड एक आदमी 10 को कर सकता था, तो इससे एक आदमी 40 लोगों को स्प्रेड कर सकता है। और कोरोना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना कोरोना क्या है। दोस्तों कोरोना एक बिगड़ा हुआ नमूनिया है, एक बिगड़ा हुआ नमूनिए का ढंग है जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों के अंदर पैचेस हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को दिक्कत और तकलीफें आती हैं। तो आज जो ये सिचुएशन चल रही है, इतना पैनिक क्रिएट कर रखा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को ये हो गया, लोगों को वो हो गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ को या नेगेटिव देखना है तो नेगेटिव देखो, अगर आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करोगे तो नेगेटिविटी अपने आप आपके दिमाग से हट जाएगी। हमें ये देखना है कि कोरोना से कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितने लोग उसमें रिकवर हो रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि कोरोना से कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, हमें ये देखना है कि कितने बीमारों के ठीक हो रहे हैं। तो जो रेशो है वो 1.5 है कि अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो 1.5 लोग सीरियस और क्रिटिकल होते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब 2% का रेशो है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ, हर आदमी आज डरा हुआ है, हर परिवार डरा हुआ है, हर माँ बाप डरे हुए हैं, हर बच्चा डरा हुआ है, हर बीवी डरी हुई है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं मानता हूँ
ये भयंकर बीमारी है, मैं मानता हूँ इस बीमारी से काफी लोगों के घर उजड़े हैं, मैं मानता हूँ काफी लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, पर मैं ये भी मानता हूँ कि इसका इलाज भी है, मैं ये भी मानता हूँ कि इससे लोग ठीक भी हुए हैं। आज हजारों हजार लोगों को हुई है तो 10 लोग ही दुनिया से गए हैं, 20 लोग ही गए हैं, बाकी लोग ठीक हुए, रिकवरी रेशो ज़्यादा है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव रहिए, पैनिक में मत रहिए, घबराहट में मत रहिए, डर के मत रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी इस चीज़ से निजात पाएंगे। ये चीज़ तेज गति से आज हिंदुस्तान में आया है, मैं लिख कर दे सकता हूँ अगले 3 महीने में इसी तेज गति से चला भी जाएगा और इस बार ये परमानेंट जाएगा, क्योंकि इसका नया बिगड़ा हुआ रूप भी आ चुका है। और दूसरा, आज भारत सरकार के प्रयासों के कारण आज हमारा मेडिकल सिस्टम भी इसके साथ कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। दूसरा, वैक्सीनेशन आ चुका है, तो जब वैक्सीनेशन हो जाएगा प्रॉपर तो ये चला भी जाएगा, तो इससे इतना घबराने की, इतना डरने की जरूरत नहीं है, इससे बचने की जरूरत है, इससे सेफ रहने की जरूरत है। हम टीवी को इसमें सिर्फ टीवी मीडिया को ना देखें, इसको जितना देखेंगे उतना दिमाग खराब रहेगा, हाय क्या हो गया। और कहते हैं, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा ब्रेन एक फ्यूल हमारी बॉडी को देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों को वायरल फीवर होता था, मार्च से अप्रैल के महीने में जब हम जाते तो हजारों लाखों लोगों को वायरल होता है। आज जिसको वायरल है वो भी सोच रहा है मुझे कोविड हो गया, जिसको जुकाम हो गया वो भी सोच रहा है कोविड हो गया, जिसको खांसी हो रही है वो भी सोच रहा है कोविड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको कोविड नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड हो गया होगा लेकिन सबको नहीं है। तो ये नहीं सोचना थोड़ा सा बीमार होते कि हमें कोविड हो गया, इससे प्रिकॉशन लेना है, इससे हमें सेफ रहना है। SLPS परिवार के हर सभी फाइटर्स को, सभी परिवार को समझना है कि कोविड क्या है, कोविड क्यों फैलता है और कोविड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कोविड के क्या इफेक्ट्स होते हैं और कोविड से सेफ कैसे रहना है। हमारा मकसद है हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखें, और वो जब भी होगा जब आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी ये है कि इसका रिकवरी रेशो बहुत ज़्यादा है, इसका डेथ रेशो ना के बराबर है और रिकवरी रेशो इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कई बार बताया ट्रेनिंगों में कि सांप होने 90% सांप बिना जहरीले होते हैं, लेकिन जब सांप काटता है तो आदमी एकदम मर जाता है, बिना जहरीले सांप से हार्ट अटैक हो गया, हाय मुझे सांप ने काट लिया। इसी तरह कोविड हो गया, हाय मुझे कोविड हो गया, मेरा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, बिंदास रहो, कोविड हो गया, लड़ाई लड़ेगा आपकी बॉडी और एक दिन कोविड को हरा के आपके बॉडी के अंदर से जाएगा और आप सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। इससे सिर्फ मेरा आज आपसे बात करने का मकसद है कि इससे प्रिकॉशन कैसे रखें, उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है, इसमें नो पैनिक नो वरीज, इट विल गो, ये जाएगा, कोरोना से हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान का हर नागरिक जीतेगा, ये कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, 100% जीतेगा। घबराने की डरने की जरूरत नहीं है कि आज अरे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, अरे भाई ऑक्सीजन भी इसलिए नहीं मिल रही कि जिसको हो रहा है वही हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, इसका एक तरीका है कब हॉस्पिटल जाना है, कब घर पे रहना है, क्या रेमेडीज इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना से सेफ कैसे रहना है। मैं जितनी भी बात आपसे कर रहा हूँ अपना समझ के कर रहा हूँ, मुझे पता है ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए 100% दोस्तों आपको मानना है और वैसे ही करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। बिजनेस काम सब हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, हमेशा बिजनेस की बात करने के लिए हमने जन्म नहीं लिया, इंसानियत की बात करनी भी इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे का ख्याल रखना भी इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे के बारे में चिंता करनी भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रिकॉशन नंबर वन क्या है, प्रिकॉशन नंबर वन कि SLPS परिवार के हर फाइटर या जो और कोई भी देख रहा है, भाई जो भी कोई देख रहा हो, सबके घरों में ऑक्सीमीटर थर्मामीटर 100% होना चाहिए। जब हमें कोरोना आता है, सिम्टम आते हैं, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो थर्मामीटर से बुखार नापें और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापें। जब तक आपकी ऑक्सीजन 95 से ऊपर है, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोरोना हुआ था, पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ, मैं ठीक हो गया था, अपने घर पे रह के ठीक हो गया था, मेरी वाइफ को हो गया था वो भी ठीक हो गई थी, मेरे यार दोस्तों को हो गया था वो भी ठीक हो गए थे, लेकिन हमने थोड़ा प्रिकॉशन रखे। वो क्या क्या थे, नंबर एक, हर 2 घंटे में हमने अपना बुखार नापा, दो दिन फीवर आया, फीवर ठीक हो गया, उसके बाद ऑक्सीमीटर से हमने अपनी ऑक्सीजन नापते रहे। ऑक्सीजन अबव 95 है तो 100% आपके लंग्स ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और आप 100% घर में रिकवर हो जाओगे, लेकिन विदाउट ऑक्सीमीटर और विदाउट थर्मामीटर आज के बाद SLPS फाइटर का कोई भी घर नहीं होना चाहिए। यू वांट ऑक्सीमीटर एंड थर्मामीटर, ये निहायत ही जरूरी है, इसका मैं कारण बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों
इस यहाँ पर जब ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर नहीं होता तो हमारे लोग क्या करते हैं, जितने भी ज्यादातर केस बिगड़े हैं या जितने भी लोग इस दुनिया से हमें छोड़ के चले गए, 90% उसमें क्या हुआ कि इसकी तीन स्टेज होती है, एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सीवियर। जब माइल्ड है तो शुरुआत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर जाएंगी, उसमें बहुत सारे आपके इम्यून के प्रोडक्ट भी काम कर जाएंगे, बाजार की दवाइयाँ भी काम कर जाएगी। मॉडरेट है तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है और सीवियर में दिक्कत ज़्यादा होती है, हमें इसे माइल्ड पे ही ख़त्म कर देना है। अगर हमारे परिवारों में किसी को होता है तो हमें माइल्ड स्टेज पे ही इसका खात्मा कर देना है, इसको मॉडरेट और सीवियर नहीं होने देना। और मॉडरेट और सीवियर कब होता है, जब हमारे पास थर्मामीटर नहीं होता, हमारे पास ऑक्सीमीटर नहीं होता, हमें बुखार हो जाता है, 7-7 दिन 8-8 दिन हो जाते हैं और हम पैरासिटामोल खा लेते हैं या कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं, सोचते हैं अरे बुखार है ठीक हो जाएगा, बुखार है ठीक हो जाएगा, मुझे कोविड नहीं है, मुझे कोविड नहीं है। इस चक्कर में जब हम लगते हैं कि मुझे नहीं और 8-10 दिन निकाल देते हैं, तो उसके बाद माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से कंडीशन सीवियर हो जाती है, उसके बाद बात हॉस्पिटलों के हाथ से, डॉक्टर के हाथ से निकल जाती है और वो हमारा अपना आदमी हमें छोड़ के निकल जाता है, सिर्फ इस लापरवाही के कारण कि हमारे घर में थर्मामीटर नहीं था, हमारे घर में ऑक्सीमीटर नहीं था। जब उसकी ऑक्सीजन गिरी तो हमने ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं दिया। ये कारण है कि लोग सीवियर होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इसलिए वो निकलते हैं, नहीं तो माइल्ड कंडीशन में कोरोना की कोई भी व्यक्ति आराम से ठीक हो सकता है, अपने घर के काढ़ों से ठीक हो सकता है, छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो सकता है, उसको बाजार हॉस्पिटल जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको माइल्ड सिचुएशन पे ही सारे प्रिकॉशन ले लेने। तीसरा, मास्क। पूरी दुनिया की रिसर्च में ये बात सामने आ गई कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है, बेशक वो सीवियर नहीं हुए पर उन्हें हुआ है, कि दुनिया में इसको बचाने वाली एक ही चीज है, जब तक ये दुनिया से नहीं चला जाता 2-4-6 महीने के अंदर, मास्क। मास्क के बिना हमें किसी से घर नहीं छोड़ना है दोस्तों, मास्क के बिना घर नहीं छोड़ना है, मास्क लगा के ही घर छोड़ना है। और मास्क भी आपका N95 होना चाहिए, कोई कपड़े के मास्क, सर्जिकल मास्क, इन सबको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये जो नया कोरोना का स्ट्रेन है ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, तो आप अच्छा मास्क लगाइए। और मास्क अच्छा अगर आपने लगाया N95, मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत हद तक बचे रहोगे, 99% तक बचे रहोगे, टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मास्क, बिल्कुल मास्क चेहरे से ना हटाए, कितना ही नियर हो, डियर हो, खास हो, प्लान देने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, मास्क लगा के बात करो भाई, सबको पता है सिचुएशन मास्क वाली है, हमें कोई इस टाइम पे नियर, अपना नियर डियर सी फ्रेंडशिप नहीं दिखानी, हमें इस समय पर इंसानियत दिखानी है, ह्यूमैनिटी दिखानी है, समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक बन के दिखाना है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। और जिम्मेदारी हमें ये कहती है कि हमें बिना मास्क के घर नहीं छोड़ना चाहिए, मास्क सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, और वो भी आपको N95 ही लगाना है। उसके बाद बात करते हैं इम्यून के प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले मेरे कहने से मेरे परिवार के लोग, आप मेरे अपने हैं, आप हो तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं, डाइट। जब तक कोरोना का पीरियड चलता है, हैवी डाइट बिल्कुल नहीं लेनी, लाइट डाइटें लेनी है, लिक्विड डाइटें ज्यादा लेनी है, और लिक्विड डाइट में नारियल का पानी, संतरे के जूस वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है, हैवी डाइट नहीं लेनी, और अपनी डाइट में काली मिर्च का बहुत ही ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, अब आते माइल्ड सिचुएशन आई, माइल्ड कोरोना हुआ तो कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट हैं जो उसमें आपके लिए फायदे के रहेंगे, आपको सहायक करेंगे, तो वो हैं इम्यून के प्रोडक्ट। आज अगर इम्यून के प्रोडक्ट की मैं असली बेस कंपनी के पास बात करूं तो कोई कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे, सुपर से सुपर प्रोडक्ट हैं। वायरल डोक है, तुलसी है, च्यवनप्राश है, आयुष कुआत है, बेरी डोक है, सीबक डोक जूस है जो कि ऑलरेडी विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, वीटा डोक है, गोल्डन मिल्क है, इम्यूनो डोक है, थंडर ब्लास्ट है, ग्लोए है, सब कुछ है हमारे पास, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड कंडीशन जैसी होती है, अपना वायरल डोक यूज करो, अपना तुलसी यूज करो, अपना इम्यूनो डोक यूज करो, अपना ग्लो गोल्डन मिल्क यूज करो, अपना ग्लोए यूज करो, आप यूज करेंगे इन सिचुएशन से आपको निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप रिकवर हो जाएंगे। और दूसरा, मैं सभी लोगों से कहता हूं अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनसे कम से कम मिले, उन्हें अपने दूसरे कमरे में रखें और उन्हें बाहर बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि बुजुर्गों पर और जो लोग बीमार है उस पर कुछ ज्यादा अटैक करता है, उनको जल्दी सीवियर कर देता है, तो अपने पेरेंट्स का जरूर ख्याल रखें। दूसरी बात,
मैं ये कहता हूँ कि मैं पहले भी कहता था कि भाई दुनिया समझेगी, एक समय आएगा आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की ताकत क्या है, आयुर्वेद क्या कर सकता है, आयुर्वेद ने क्या किया था पुरातत्व काल में, पीढ़ियों पहले, सदियों पहले और आगे भी आयुर्वेद क्या करेगा, ये बात आज पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। मैं कहता हूँ आपको आयुर्वेद के साथ रहना है, अपनी इस परंपरा के साथ रहना है, आपको आयुर्वेद से दूर नहीं जाना है। आपको हमारे प्रोडक्ट अगर सही नहीं लगते तो आप किसी के भी प्रोडक्ट ले लो भाई, बाबा रामदेव के ले लें, डाबर के ले लें, च्यवनप्राश, वैद्यनाथ के ले लें, लेकिन आयुर्वेद को अपने इम्यून सिस्टम को ज़रूर, अपने इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए आयुर्वेद को ज़रूर अपने जीवन में उतारें। आने वाला समय, आने वाला जो फ्यूचर है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। आने वाली दुनिया वेलनेस पे चलेगी, लोग पैसे से ज़्यादा अपने आप से प्यार करेंगे, अपने जीवन से प्यार करेंगे। आज आप ये देखिए, हम जो लोग आप और हम क्या कर रहे थे पिछले 6-6.5 साल से, लोगों को घर घर जाके समझा रहे थे हम कि भाई गर्म पानी पी लो, मसाले कूट के खा लो, ये कोल्ड ड्रिंक से बचो, आइसक्रीम से बचो, बर्गर से बचो, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करो, इम्यूनोडोक लो, अपनी बॉडी की सर्विस करो, साल में एक बार जरूर अपनी बॉडी की सर्विस करो, खर्चा करो अपनी बॉडी के ऊपर, मोटरसाइकिल की सर्विस करते हो, कार की सर्विस करते हो, समझाते थे हम लोग इस बॉडी की भी सर्विस करो। आज जितने भी लोगों के साथ ये हादसे हो रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं क्यों? जब हम लोग जाके समझाते थे नहीं समझ में आता, ये तो पैसे कमाने आ गए, ये तो कंपनी वाले आ गए, ये तो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अरे नहीं बेचना अपना प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ तुम किसी का भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, पर इम्यून के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, मेरा गिलोय मत यूज करो, किसी और का ले लो जहां से आपको अच्छा मिलता हो, सस्ता मिलता हो, जो आपको सही लगता हो लो। पर इस बॉडी, ये आज आपको मालूम है दिल्ली में मैं रहता हूं, हॉस्पिटलों के आगे करोड़पति अरबपति अरबपति घूम रहे हैं, बेड दिला दो, ऑक्सीजन दिला दो, नहीं मिल रही। अगर आज इम्यून सिस्टम मजबूत होता, बॉडी फिट होती, तो क्या जरूरत थी बेड और ऑक्सीजन ढूंढने की? लेकिन नहीं, ये बात हमारी बात समझ में किसी को नहीं आती, क्योंकि हम वेलनेस वाले हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, हम कंपनी वाले हैं, हम समझाते हैं हमारे प्रोडक्ट बेचकर हमें मुनाफा चाहिए। हर आदमी के दिमाग में ये, अरे नहीं चाहिए मुनाफा, आप किसके मर्जी प्रोडक्ट ले लो। लेकिन हकीकत है, आज का जो खान पीन है, आज का जो एटमोसफेयर है, आज का जो नेचर है, सब बिगड़ चुका है। बैलेंस, सृष्टि का बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है। आज अगर जीना है तो अपने आपको स्वस्थ रखना होगा, आपको अपनी बॉडी की सर्विस करनी होगी, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट यूज करने होंगे, वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करने होंगे, सप्लीमेंट खाने होंगे, आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारना होगा, सप्लीमेंट को उतारना होगा। आज के खाने पीने में चोरी चकारी बेईमानी के कारण वो ताकत, वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व नहीं है जिससे कि आपका शरीर टकाटक रहे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, योगा करो, सुबह उठकर 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दो, इससे पसीना निकाल दो, पसीना निकला नहीं शरीर फिट हुआ नहीं। मैं चाहूंगा इसलिए पीएस परिवार का हर व्यक्ति सुबह उठ के बिजनेस ना करे, 1 घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 सेल मत भेजना मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर 1 घंटा अपने व्यायाम जरूर करना और इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट जरूर लेना। इम्यूनिटी को आने वाला समय, ये वायरस एक नहीं है, ये भूल जाओ, ये गया था पिछले साल, फिर आ गया, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये दुनिया में बायोलॉजिकल वार की तरह शुरू हो चुका है, ये वायरसेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, अब यही चलेगा इस दुनिया में। अब वही बचेगा जो इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत रखेगा, वही बचेगा जो सुबह उठकर 1 घंटा अपने अपने शरीर के लिए मेहनत करेगा, पसीना, बाकी उसके ऊपर है, भगवान के जिसको ले जाना है ले जाए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम अपने कर्म तो कर सकते हैं, अपने लिए एक सब कर तो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इम्यून के प्रोडक्ट्स यूज करें, मास्क जरूर लगाएं, मास्क के बिना घर से ना जाएं, और सुबह उठकर 1 घंटा एक्सरसाइज 100% करें। आपकी जिंदगियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट दौलत नहीं है। आज दौलत वालों को हॉस्पिटल नसीब नहीं है, क्या करेंगे दौलत का, क्या करेंगे इस पैसे का? ऑक्सीजन नसीब नहीं है, हवा, सांस, हवा जो मुफ्त मिलती थी आज करोड़ों रुपए देकर भी लोगों को नसीब नहीं है। कारण यही खान पीन खराब, जो खाना हम जीने के लिए खाते हैं वो लोगों ने जहर बना दिया, और जो हम जीने के प्रोडक्ट देते हैं, हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट यूज करो, स्वस्थ जिंदगी जियो, तो लोग हमसे सवाल करते, और उनसे आज कोई सवाल नहीं करता कि तुमने हमें क्या खिलाया,
कैसे आटा खिलाया, कैसे मसाले खिलाए, कैसी दालें खिलाई, कि आज हमारा इम्यून सिस्टम की हालत हो गई। दोस्तों, काला बाजारी की भी हद होती है, हद होती है, इंसानियत की भी हद होती है। किस लेवल पे साले लोग गिर गए, लोग तराई तराई कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, गरीब मजदूरों बेचारे अस्पतालों के आगे लाइन लगा के खड़े हैं, और लोग इंजेक्शनों की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, खाने की कालाबाजारी। पता चला साला कोविड आ गया, टमाटर का रेट बढ़ा दो, सब्जी का रेट बढ़ा दो, लोग मजबूर है ऐसे। ये जो हुआ, यही दैट इज कॉल्ड द डिसबैलेंस ऑफ नेचर, इंसानियत का डिसबैलेंस हुआ है। आत्माएं मर गई हैं लोगों की, जमीर मर गया है, ईमानदारी मर गई है, इसलिए ये सब चीजें आती हैं। इतना गिर गया इंसान कि जिस समय लोग तराई तराई करके मर रहे हैं, उनका फायदा उठाना चाह रहा है, हर चीज का रेट बढ़ाना चाह रहा है। जड़ी बूटियों वालों ने भी सालों ने रेट बढ़ा दिए कि आयुर्वेद की खपत अब ज्यादा होगी, हर जगह कमीनापन चल रहा है। इतने इस लेवल से जब लोग गिर जाते हैं तो परमात्मा की नजरें इंसानियत से उड़ जाती हैं, और तभी ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी महामारियां आती हैं। कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत से पीछा नहीं छोड़ाना चाहिए। अरे ऐसे टाइम पर धिक्कार है उन लोगों को जो कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर हमें अपने समाज की और अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, एसलीपीएस परिवार से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि आप कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। वैसे कम कमा लेना, आइडिया नहीं आएंगी, प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, सब सेकेंडरी है, इंसानियत प्राइमरी है। इंसानियत से पीछा कभी मत छुड़ाना। मैं हमेशा कहता हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री विल बी अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर ये वेलनेस इंडस्ट्री की ही जरूरत है आने वाले समय में, और किसी चीज को खत्म हो जाएंगे लोगों के सब कुछ। आज लोग खेत ढूंढ रहे हैं, फार्म हाउस ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि चलो 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 भीड़ भाड़ से निकलो। एक दिन ऐसा आएगा, लोग सिर्फ जीना चाहेंगे, कमाना के साथ साथ जीना चाहेंगे, और वो जीने का रास्ता, जीने की राह जो दिखाता है आयुर्वेद, क्या है जीने का तरीका, वो हम दिखाते हैं। आने वाला समय वेलनेस इंडस्ट्री का है। जिस इंडस्ट्री में जाने अनजाने में आप आ गए हो, यही इंडस्ट्री आने वाले समय में ग्रो होगी। और ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं देगी, आपके जीवन को भी बचाएगी और आपकी जिंदगी भी बनाएगी। इसी इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। जब 2014 में मैं कंपनी लेके आ रहा था तो लोगों ने मुझसे पूछा, यार आप ये प्रोडक्ट लेके क्यों जा रहे हो, इसमें तो ये चाहिए वो चाहिए, कोई आपसे डॉक्टर पूछेगा, कोई आपसे सर्टिफिकेट पूछेगा, आप आयुर्वेद के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, फूड सप्लीमेंट के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो। तो मैं उन लोगों को बोला था कि भाई आने वाला समय इसका है। आज की जो हालत चल रही है, जो मिलावट कोरी चल रही है, जो खाने पीने के अंदर जो जहर मिलाए जा रहे हैं, जो लोगों के जीभ का स्वाद पैदा करके जो लोगों को जहर खिलाया जा रहा है, एक दिन लोग समझेंगे, और ये इंडस्ट्री ही है वो इंडस्ट्री जो लोगों को एजुकेट करेगी, शायद उनको जिंदगी जीना भी सिखाएगी और उनको जिंदगी बचाना भी सिखाएगी। तो उन्होंने कहा, अरे यार फालतू में लिक्विड ले रहा है, इतना भड़क ले रहा है, एक एक डेढ़ लीटर की बोतल है, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। मैंने कोई बात नहीं, जो लगे लगे, हम ऐसे प्रोडक्ट बेचेंगे जो लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, जो लोगों को जिंदा रहना सिखाएंगे, हम वो काम करेंगे। बोला सूट बेच ले, ये बेच ले, वो बेच ले, साड़ी बेच ले, घड़ी बेच ले, पर्स बेच ले, बेल्ट बेच ले, पता नहीं क्या क्या लोगों ने मुझे शिक्षाएं दी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है, मेरी प्रायोरिटी हमेशा वेलनेस रहेगी। क्योंकि मुझे पता था कि वेलनेस इंडस्ट्री ही लोगों को एक दिन जीने का ढंग सिखाएगी, वेलनेस इंडस्ट्री लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज करेगी, वेलनेस इंडस्ट्री की एजुकेशन से ही लोग गलत चीज़ें खाना छोड़ेंगे और अच्छा जीवन, अच्छी जीवन शैली अपनाना शुरू करेंगे। वेलनेस इंडस्ट्री का कमाल है। तो दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में वेलनेस इंडस्ट्री की कितनी जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। अपनी कंपनी के बहुत से लोगों को भी कोरोना हुआ, वायरल डोप लिया, चमन प्रास लिया, तुलसी पी, काफी लोगों से आप फोन करके पूछ लेना, सारे लोग टकाटक हैं, क्योंकि उन्हें वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। उन्हें पता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, उसे नहीं पता क्या गिलोय होता है, क्या अश्वगंधा होता है, क्या काली मिर्च होती है, क्या पूर्णवा होता है, उन्हें नहीं पता, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वो डायरेक्ट सेलर है, वो भी वेलनेस इंडस्ट्री में, उसको सब पता है शरीर को कब कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा प्रोटीन, कब कार्बोहाइड्रेट, मिनरल कितने चाहिए, और जीने के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या चाहिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलर वेलनेस इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलर है, उसको नॉलेज है, इसलिए वो अपने आप को बचा पा रहा है। हमारे मामचंद सर को भी कोरोना हो गया, मैंने उनसे पूछा कि मामचंद जी कोई प्रोडक्ट लिया,
बोला भाई मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैंने तो अपना वायरल डोक लिया, अपना कफ डोक पिया, अपना तुलसी पी, अपना ठंडा ब्लास्ट लिया, मैं मस्त हूँ और वो भी ठीक हो गए हैं। कहने का मतलब मुझे भी हुआ था, सब ये होगा, चलो ऐसी चीज़ है कि फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, होगी। लेकिन जो लोग वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं वो बहुत जल्दी इससे रिकवर करेंगे, रिक्योर होंगे, बहुत जल्दी रिकवर होंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है। अब जैसे विटामिन कह रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन जिंक, अपना विटाडोग देखो आप, कौन सा विटामिन उसके अंदर नहीं है। सुबह शाम एक विटाडोग लो, ओमेगा डोग लो, स्पिरुलिना लो, अरे है क्या नहीं एस्लिपियस वेलनेस के पास? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एस्लिपियस वेलनेस के पास जिंदगी बचाने का नहीं है? जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है एस्लिपियस के पास जो नहीं है, जिसमें जिंदगी बचती हो? हर एक प्रोडक्ट मैंने आपको बना के दिया, और हर एक प्रोडक्ट में गुणवत्ता है, हर एक प्रोडक्ट में रिजल्ट है। और ये आज वेलनेस इंडस्ट्री की ताकत है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की ताकत है कि 6.5 साल में सफर हमने इस तेज गति से और यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचे हैं। और आज कंपनी हिंदुस्तान की पहली 10 कंपनियों में है दोस्तों, जिसमें विदेशी और देसी सारी कंपनी, इस साल 425 करोड़ का टर्नओवर आपकी कंपनी ने किया है इसी वेलनेस के प्रोडक्ट बेच के। इसमें कोई आटा नहीं बेचा, कोई तेल नहीं बेचा, वेलनेस के प्रोडक्ट बेच के किया है। क्योंकि मैं, लोगों ने कहा आपका टर्नओवर बहुत बढ़ सकता है सर, आप ये प्रोडक्ट ले आओ, इतने 1000 प्रोडक्ट ले आओ, मगर टर्नओवर नहीं बढ़ाएंगे हम, उन्हीं प्रोडक्टों पे काम करेंगे जो प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी बचाएंगे। और आज पता चलता है इस माहौल से कि जिंदगी की कीमत दौलत से बहुत ज्यादा है। दौलत आज कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही जिंदगी के सामने, लोग जिंदगी बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। और तभी मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री से बाहर मत जाना, इस इंडस्ट्री में हमेशा रहना। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वेलनेस उसके साथ अगर लग जाए तो जिंदगी बची भी रहेगी और जिंदगी जियोगे भी बढ़िया, और जिंदगी जिंदगी हम बचाते भी हैं और जिंदगी को जीने का लोगों को तरीका भी सिखाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है जी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोग लोगों को जीना सिखाए, लोगों की जिंदगियां भी बचाए और लोगों को जिंदगी जीने का मौका भी दे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे? है कोई? एक भी नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति से, एक बार अपनी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग जरूर ज्वाइन करना। मैं कहता हूं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना, लेकिन करना उसमें जिसमें खासकर वेलनेस के प्रोडक्ट, क्योंकि वेलनेस के प्रोडक्ट की ही आने वाला फ्यूचर है, वेलनेस ही आने वाली जिंदगी है, आने वाले 1000 साल वेलनेस के हैं। लोग जिंदा रहना चाहेंगे, जिंदा रहना चाहेंगे, जिंदा रहना चाहेंगे, उसके लिए वो किसी भी हद तक अपने आप को एजुकेट करेंगे और उनके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, वेलनेस का फ्यूचर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री आने वाले समय की, डायरेक्ट सेलिंग भी और वेलनेस भी। और इसमें जाने अनजाने में आज हम आप सब लोग दोस्तों, आज यही एक वो इंडस्ट्री है जो चल रही है, यही वो इंडस्ट्री आज भी लोगों के चेक बन रहे हैं, यही वो इंडस्ट्री है जहां के प्रोडक्ट खा के लोग अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, जिंदगी बचा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। यही वो इंडस्ट्री है। क्यों? इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट किसी कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, इसमें प्रोडक्ट लोगों के अपनत्व को ध्यान में रख के बनाया जाता है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट दुकान से नहीं बिकता, हमारा प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट सेलर अपने चाचा को, मामा को, चाचा को, फूफी को बेचता है। तो हमें पहले समझना पड़ता है कि उसकी इज्जत का सवाल है, उसकी फेस वैल्यू का सवाल है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसका चाचा, मामा, फूफा आकर उसको उलाना देगा, बोलेगा तूने मुझे क्या दिया। तो यहां पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हमारा डिब्बा किसी कंपनी के प्रोडक्ट के डिब्बे के साथ बाजार की दुकान पर नहीं रखा जो हमें 300-200 का रेट बनाना पड़ेगा। हम बेस्ट बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं, इसीलिए लोग हमें चाहते हैं, इसीलिए लोग हमें मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों आज एस्लिपियस के प्रोडक्टों के रिजल्ट एक मैंने अभी डाला था आज से कुछ दिन पहले फेसबुक पे, 25 लाख रुपए उसके माँ बाप ने लगाए, खुर्जा का केस है बुलंदशहर का, 25 लाख में उसके बच्चे को आराम नहीं लगा और हमारे 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट से आराम लग गया। और लोग उसके बाद भी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ रहे। अच्छा अरे भाई हम डायरेक्ट सेलिंग वाले तुमसे ले क्या रहे हैं ये तो समझा दो, ले क्या रहे हैं? कोई आपका घर गिरवी रख रहे हैं, कोई मकान बिकवा रहे? अरे भाई जो पैसे 5,000, 2,000, 5,000, 7,000, 8,000, 15,000 आप हमें देते हो उसके आपको इम्यून बूस्ट के प्रोडक्ट देते हैं, जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट देते हैं। आपको कहते हैं अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो अपनी बॉडी की सर्विस के लिए हमसे प्रोडक्ट ले लो, अपने इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए हमसे प्रोडक्ट। हम तो 1 रुपया नहीं लेते आपसे, 1 रुपया, उल्टा आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं,
जिंदगी बचाना सिखाते हैं, जीवन कैसे, जीवन में कैसे खाना है क्या नहीं खाना वो आपको बताते हैं। और अगर आप हमारे साथ उन अच्छे प्रोडक्ट को, ये मानवता का जो हम काम कर रहे हैं, जो इंसानियत से प्रेरित ये जो हमारी संस्था काम कर रही है, हमारे लोग काम कर रहे हैं, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आप तो करोड़पति भी बन जाते हैं, अरबपति भी बन जाते हैं, लाखों रुपए भी कमा लेते हैं, क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात समझाने कौन जा रहा है? ये बात समझाने कोई MBA क्वालिफाइड, MTech क्वालिफाइड, BTech क्वालिफाइड नहीं जा रहा। ये बात समझाने किसान का बच्चा जा रहा है, एक गरीब का बच्चा जा रहा है, एक मिडिल क्लास जा रही है, एक लोअर मिडिल क्लास जा रही है। तो लोगों ने ईगो पाल रखी है कि डायरेक्ट सेलिंग वाले साले बेवकूफ बनाते हैं, ये कंपनी वाले पागल बनाते हैं। हाँ, अपने पागल बनाते हैं हम। ये ईगो जो पाल रखी है, समाज से मैं बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, समाज वो समझो। ये ईगो जो तुमने पाल रखी है, इस ईगो से बाहर आओ। आने वाला फ्यूचर वेलनेस का है, आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विद वेलनेस कंपनी का है दोस्तों, ये बात ध्यान रखो। ये किसान का बच्चा, किसान का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा पहले अनभिज्ञ था, अनज्ञानी था, लेकिन इस इंडस्ट्री में आके, हमारे सिस्टम में आके वो आज एजुकेट हो चुका है। उसको मालूम है क्या प्रोडक्ट खाना है, क्या खाना है, कैसे जीना है, क्या करना है, जीवन कैसे होता है, लाइफ में सक्सेस कैसे पाई जाती है, सफलता कैसे पाई जाती है, वो सारी एजुकेशन ले चुका है। तो ये समाज से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ईगो साइड में रखो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट को समझो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो, उनके एजुकेशन सिस्टम को समझो, इनकी परंपरा को समझो, इनके माहौल को समझो। एक बार जिंदगी में, एक बार डायरेक्ट सेलिंग में एक बार एडमिशन जरूर लो, एक बार जरूर अजमाओ। जो काम ये इंडस्ट्री कर सकती है, हमारे लोग कर सकते हैं, ये दुनिया नहीं कर सकती, दुनिया की कोई संस्था नहीं कर सकती, दुनिया का कोई सिस्टम नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, जो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर सकती है। आज लाखों लोग हमारी प्रोडक्ट से ठीक, लाखों लोगों को आराम मिला, ऐसे ऐसे आराम मिले, ऐसे ऐसे, अरे क्या कोरोना परोना, तो इसकी तो साले की औकात क्या है। ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे प्रोडक्ट से लोगों को क्योर हुई हैं, इतने सहायक है हमारे प्रोडक्ट लोगों को रिलीफ देने में हर एक बीमारी से। वो पूरा डाटा वो यूट्यूब पे पड़ा है, जाओ यूट्यूब खंगालो, देखो किस किस रोग से हमारे लोगों ने निजात पाई है इन प्रोडक्टों को यूज करके। कुछ नहीं है, अगर आप दिल से ईमानदारी से हमारे प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम के यूज करेंगे, बाकी तो करना भगवान को है, महाकाल बाबा को करना है, भोले बाबा को, अल्लाह खुदा गौर भाई को करना है, जो होगा वो होगा। लेकिन इतना कहता हूँ कि अगर आपने दिल से एसलिपस के प्रोडक्ट खाए तो कहीं ना कहीं भगवान परमात्मा कहीं ना कहीं आप पर रहमत करेगा और कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को सेफ रख पाओगे। तो एसलिपस के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान बता रहा है। अरे बाजार से मैं अभी एक लीडर के साथ बैठा था, कोई डॉक्टर साहब है रितेश की टीम में, डॉक्टर बैठे जा, वो कह रहा है सर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे घर में लंबी लाइन लग जाती है कि ये प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो। उस दिन जब वो मुझे ये बता रहा था, मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने उसके अपलाइन से पूछा सच बोल रहे या नेटवर्कर वाला डायलॉग ही मार रहा है। बोला सर बिल्कुल सच बोल रहा है, इसके घर सुबह सुबह लाइन लग जाती है। इतने प्रोडक्ट हमारे पंजाब के अंदर, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे लोग लाइक कर रहे हैं कि लोग दूर दूर से, गांव गांव से टिकट कटा के आते हैं उन डॉक्टर साहब के पास हमारे प्रोडक्ट लेने। ये बनाया है एसलिपस ने, ये दिया है एसलिपस ने समाज को, इस देश को, इन लोगों को। उसके बाद भी अगर आपको हम प्राइवेट कंपनी कंपनी सपनी MLM लगते हैं तो आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन जो हमने किया है वो यहाँ से किया, जो हमने बनाया है वो यहाँ से बनाया है, और जो हमने अपने लोगों की सेवा की है वो यहाँ से की है, और जो हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं वो यहाँ से रखते हैं, और हम अपने लोगों को अपना कहते नहीं, अपना मानते हैं, ये एसलिपस वेलनेस ने हमेशा प्रूव किया है। दोस्तों बहुत जबरदस्त फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का, और ज्यादा इस कोरोना के चक्कर में रहना नहीं, 3-4 महीने की कहानी, इस बार ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। टेंशन लेना नहीं, पैनिक में रहना नहीं, काम कर लेंगे, काम करने की कोई टेंशन नहीं है। काम कैसे होगा वो सीधी सीधी सी बात है, आप लोग घर पे हो, घर पे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जितने भी सीनियर लीडर हैं, डेली जूम मीटिंग करें सुबह अपनी कोर टीम की, हफ्ते में 3-4 ट्रेनिंग करें, संडे के दिन 3-4 जूम सेमिनार करें,
डेली कोर मीटिंग करो, डेली सुबह अपनी कोर की मीटिंग करो और मुझ में है दम चलाओ। आज इतनी त्राही त्राही मच रही है हिंदुस्तान में, इतने लोग बीमार हैं, इतने परेशान हैं, लोगों को हमारी जरूरत है। उनके पास जाओ, उनको भरोसा दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि हमारे प्रोडक्ट वायरल डॉग में क्या है, हमारी तुलसी कैसी है, किस लेवल की तुलसी हम बनाते हैं, किस लेवल का वायरल डॉग बनाते हैं, उनको जाके रिकमेंड करो। पहले हर आदमी कसम खाओ कि मैं खुद 100 SP हर हफ्ते निकालूंगा। जब आप खुद 100 SP निकालोगे, आपकी टीम 100% आपको निकाल के देगी। हमें बहुत सेमिनार नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, अभी तो करने ही नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं करनी, लेकिन हम जूम सेमिनार वीडियो कॉल करके लोगों को प्लान समझा सकते हैं, फोन कॉल करके लोगों को प्लान समझा सकते हैं। हम वेलनेस वाले हैं, ये बात दिमाग में रखो। हमारी हर घर में आज की डेट में जरूरत है। हम कोई फालतू के आइटम नहीं बेच रहे कि जो लोग हमारा फोन काट देंगे या हमारी वीडियो कॉल से चले जाएंगे या हमारे जूम सेमिनार को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, हम वेलनेस वाले हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। सुनेंगे तो ठीक, नहीं तो पछताएंगे, क्योंकि हमने वो चीजें बनाई हुई हैं जिन चीजों की आज लोगों को जरूरत है। तो आप हर दिन, हर सीनियर लीडर अपनी टीम की कोर मीटिंग करेगा, सुबह उठते ही जूम मीटिंग करो 7 से 8। पूरे दिन सबसे पूछो तूने क्या किया, पूरे हफ्ते सब सारी कोर से पूछो तूने खुद के 100 SP निकाले या नहीं निकाले। बोला सर कहां से निकालू, अरे भाई पड़ोसी को समझा दे, मत जा गली छोड़ के, मत जा शहर छोड़ के, मत जा। तेरी गली में आज हर आदमी इंतजार कर रहा है कोई मसीह आएगा और मुझे कुछ ऐसा दे के जाएगा कि मैं जिंदगी बचा भी लूं और जिंदगी बना भी लूं। वो मसीहा बनना है आपको, एसलीपियस फाइटर्स को, इस समाज के लिए वो मसीहा बनना है। पहुंचना है लोगों तक अपने प्रोडक्ट लेके, पहुंचना है लोगों तक उनकी जिंदगी कैसे बनेगी, वो तरीके, वो सपने लेकर। वो कैसे पहुंचना है, कोई भीड़ के साथ नहीं, कोई ट्रेनिंग के साथ नहीं, अपनी गली में 2 घर छोड़ के 1 घर छोड़ के अपने पड़ोसी से मास्क लगा के बात करो, मास्क लगा के बताओ कि भाई सुनना है तो मास्क लगा के बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, बात खत्म। आराम से बता सकते हैं, खूब जूम सेमिनार कर सकते हैं, खूब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, खूब फोन कॉल। पिछले साल नहीं किया था क्या? आज अकस्मात से वही 24 अप्रैल है जो पिछले साल में लाइव आया था। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं था, अभी अभी फेसबुक पोस्ट मैंने किसी की देखी तो उस पर आ रहा था कि मैं 24 अप्रैल को पिछले साल भी लाइव आया था, इस साल भी 24 अप्रैल है, वही माहौल है, वही सब कुछ है। कंपनी खुली हुई थी, फैक्ट्री चल रही थी, आज भी कंपनी खुली हुई है, फैक्ट्री दबा दब चल रही है, क्योंकि हम एजेंशियल में आते हैं, एजेंशियल सर्विसेज में हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं किसी भी माहौल में जिस प्रोडक्ट की लोगों को हमेशा जरूरत रहेगी। इसलिए आज कंपनी भी जिंदाबाद है, फैक्ट्री भी जिंदाबाद है। और पिछले साल 24 अप्रैल को आया था, इसी दिन आपसे बात की थी, फिर आप भी तो वो लोग थे जिन्होंने अगले 3 महीने कमाल कर दिया था, सेल रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मनाली सनाली इतने बड़े लेवल पे क्वालिफाई कर दिया था। तब भी तो घर में बैठ के किया था, तब भी तो जूम सेमिनार से ही किया था, तब भी तो 1-to-1 से ही किया था, तब भी तो आस पड़ोसी के साथ बात करके ही किया था। तो इस बार क्यों नहीं, फिर दोबारा एक परीक्षा सही, फिर जीतेंगे, फिर आ जाएगी, फिर जीतेंगे, फिर आ जाएगी, फिर जीतेंगे। हार माननी किसने सिखाई? एसलीपीएस का फाइटर हार मान सकता है क्या? कोविड से तो मान ही नहीं सकता। कोविड जैसी सिचुएशन को जीतना तो हम सबको आता है, हमेशा मोटिवेट रहो, बी पॉजिटिव, कोई कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपने दिमाग को कहो ये छोटा मोटा नमूनिया बुखार है, खत्म कर देंगे, 4 प्रोडक्ट अपने लेंगे, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वही 24 अप्रैल है जो पिछले साल थी, इसके बाद रिकॉर्ड बने थे, आज 24 अप्रैल है, इसके बाद भी रिकॉर्ड बनेंगे। हर आदमी से बात करो, समाज के हर आदमी से बात करो, किसी को मत छोड़ो, समझाओ कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट है जिंदगी बचाने के और हमारे पास अच्छा कॉन्सेप्ट है जिंदगी बनाने का। दुनिया की नौकरियां बंद हो गई, दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, लोग होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, पिक्चर हॉल बंद है, मॉल बंद है, हम लोग बंद है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बंद है क्या? नहीं है बंद। ये बात इस समाज को समझनी है, लोगों को समझाओ कि ये हमारी इंडस्ट्री है। इतने पैनडेमिक माहौल में, इतने ज्यादा खराब सिचुएशन में भी अगर ये इंडस्ट्री जिंदा है, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जिंदा हैं, प्रोडक्ट खाने वाले लोग जिंदा हैं, लोगों को पैसा आ रहा है, लोगों का घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, अरे ये तो खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, बहुत
बहुत पुण्य आपकी माँ बाप ने किए होंगे जो ये इंडस्ट्री लोगों को मिली। आज पता चलता है इस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, आज पता चलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें भी एसलिपियस वेलनेस क्या है। दोस्तों आराम से काम हो सकता है, डरने की घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात मानना, मास्क इसको मत छोड़ो, ये सबसे बड़ा हथियार है। रही दूसरी बात, प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, आइस का प्रोडक्ट आ रहा है, मैंने बताया था ऐसा प्रोडक्ट बना के दूंगा, 3 का पैक आ रहा है, 1 पैक डाल के दूंगा, 1 महीना डाल लेना आधा नंबर चश्मे का कम होगा, ये संजीव कुमार आपसे कह रहा है, लाइव आके कह रहा है। प्रोडक्ट बनाने हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने, कचरा नहीं बेचना, कचरा नहीं बनाना, लोगों को मूर्ख नहीं बनाना, बेवकूफ नहीं बनाना। सेल कम आए, अभी कोई कह रहा था मेरे से, अरे यार एक बात बता, तू तो ग्लोए बेचता है। मैं कहा हाँ। बोला गिलाओ की तो गिलोए की तो पहले ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, तू तो तुलसी बेचता है। मैं कहा हाँ। बोला अभी जैसे कोरोना का ये माहौल है, तुलसी की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, तू तो अपने प्रोडक्ट के डबल रेट कर सकता है, लोग खरीदेंगे, लोगों की मजबूरी है खरीदना। ऐसे महान अनुभव आके यहाँ पर शिक्षाएं देते हैं, इतने कुत्ते कमीने लोग हैं, इस सोच के लोग हैं। अरे यार ये टाइम है खेलने का, ये टाइम है अपने लोगों से मतलब अपने लोगों को मूर्ख बनाने का। तो भाई एसलिपियस वेलनेस को ना मूर्ख बनाना आता था, ना आता है, ना कभी आएगा। जिसका दिल करे काम करो, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, टेंशन कोई नहीं। बशर्ते एक बात याद रखना, जितने भी गलत दिमाग और गलत सोच के लोग हैं वो मेरे परिवार में नहीं टिक पाते, वो अपने आप ही निकल जाते। जो नेक नीयत होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा, इंसानियत इसके अंदर होगी, वो एसलिपियस कर पाएगा। जो साला बेईमान होगा, चोर होगा, उचक्का होगा, झूठा होगा, मक्कार होगा, वो एसलिपियस में टिक ही नहीं पाएगा और मुझे टिकाना भी नहीं है, चाहे वो 10,000 करोड़ का धंधा ला के दे। ऐसा धंधा माई फुट, ऐसा धंधा जूते की नोक पे, ऐसा पैसा जूते की नोक पे। अपन कम कमाएंगे लेकिन ईमानदारी से कमाएंगे, हमें कम पैसा मिले, हम लोगों को पैकिंग दिखा के, ये करके वो करके, प्रोडक्ट ला के, मीठी मीठी बातें बना के, ये करके वो करके मूर्ख नहीं बना पाएंगे ना भाई। हमसे आता, हम देसी आदमी है, देसी तरीके से बात करते हैं और देसी स्टाइल काम करने का है हमारा, एक ही, जो कह दिया वो कर दिया, आज तक जो बात है वो बात है। इसलिए घुमा फिरा के आपकी कंपनी काम नहीं करती, और जितने भी लोग दूसरी कंपनियों के भी हमें देखते हैं, मैं तो खुद ही कहता हूँ भाई अगर आप लोग अपनी जगह सही हो तो अच्छे रहो ना, हम तो कभी किसी को कहते नहीं हमारे पास आओ। लेकिन ये बात याद रखना कि एसलिपियस वेलनेस की इंसानियत से, ईमानदारी से मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग घुमा फिरा के बात नहीं करते। इसीलिए एसलिपियस वेलनेस के फाइटर इसीलिए जिंदा दिली से यहाँ काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। एसलिपियस जैसे फाइटर आज तक किसी कंपनी में, अरे पिछले 100 साल किसी कंपनी में नहीं थे, अगले 100 साल कोई लाके दिखा दे मान जाऊंगा। ऐसी लीडरशिप, ऐसे फाइटर्स अगर कहीं मिलते हैं तो मैं मान जाऊंगा, ऐसे लोग हमारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग सब नेक नियत वाले हैं, हमारे लोग इंसानियत के साथ जुड़े, हमारे लोग मोहब्बत करते हैं लोगों से, हमारे लोग धोखा नहीं देते। आज एसलिपियस से ज्यादा पैसे किस कंपनी दे रही है? नहीं दे रही, फिर भी लोग कहेंगे एसलिपियस में कुछ नहीं है, एसलिपियस के प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, एसलिपियस के क्या नहीं है ये, मैं ये लोग कहते हैं, ये वो लोग हैं जो मक्कार झूठे बेईमान हैं। अरे जो समाज का आम आदमी, उससे पूछो ना एसलिपियस के प्रोडक्ट कैसे हैं, जो ना नेटवर्किंग करता है, ना डायरेक्ट सेलिंग करता, ना MLM, ना MLM, कुछ नहीं जानता, वो बताएगा तुलसी फीके एसलिपियस की तुलसी कैसी है, वो बताएगा थंडर ब्लास्ट पी के एसलिपियस का थंडर ब्लास्ट कैसा है, वो बताएगा ऑर्थोडॉक्स पी के। वो आम गरीब आदमी जो समाज का, वो तो झूठ नहीं बोलता, उसे तो तुम्हारी कंपनी से, तुम्हारे प्लान से, तुम्हारी करोड़पति अरबपति, तुम्हारी जगवार, तुम्हारी मर्जी से कुछ लेना देना नहीं है, उसे तो बेचारे के घुटने में दर्द था, अपने दर्द से लेना देना है। वो तो माँ नहीं बनी थी, उसको तो अपनी कोख में जन्म देना, उसे तो बच्चे से लेना देना है कि मैं कैसे भी प्रेग्नेंट होता हूँ, उसे क्या लेना देना कि अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो तो प्रोडक्ट से लेना देना। अगर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि एसलिपियस के प्रोडक्टों से मुझे ये मिला, मैं ये हुआ मेरा, ये हुआ मेरा, ये हुआ, फिर भी एसलिपियस गलत कहने वाले लोग, थोड़ा जवान संभाल के बात किया करो, इतने मत गिरो। एसलिपियस बेस्ट है, बेस्ट थी और बेस्ट ही रहेगी, क्योंकि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, ना कि सिर्फ नेटवर्क के लिए, ना कि सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे दिमाग में पहले देश है, देश, जब देश नहीं होगा तो ना हम होंगे, ना आप होंगे, ना गांव होगा, ना शहर होगा, ना समाज होगा। हम देश के प्रति नागरिक को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, प्रति नागरिक को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं ये समाज से पूछो,
और हमारा प्लान कैसा है एक नेटवर्कर से, हमारी अचीवमेंट कैसी है एक नेटवर्कर से पूछो। मात्र 6 साल में 100 करोड़पति 100 से ज्यादा लग्जरी कार, और क्या देंगे दिया किसी कंपनी ने? अरे कितनी चल रही है 25-30 साल सर, कितनी चलेंगी? दिया है किसी ने? है हिम्मत किसी की इतने अमाउंट देने की, इतने अच्छे प्रोडक्ट देने की? क्यों? इसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए, नीयत चाहिए। और नीयत में क्या चाहिए? पैसे से मोहब्बत नहीं चाहिए, इंसानियत से मोहब्बत चाहिए। ये गए पैसे वाले सारे, रोज जा रहे हैं, आज 3,000 गए, आज 2,000 गए, 1-1 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्या करना है ऐसे पैसे का? यही रह जाएगा सब, सब यही रह जाएगा। हमें क्या करना है, जब तक इस धरती पे हैं अच्छे काम करने, खूब कमाना है पैसा, ऐसा नहीं है नहीं कमाना, खूब कमाना है, खूब कमाना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, उसे लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को अपने जैसा बनाना है, गरीब आदमी का हाथ पकड़ के उसको अमीर बनाना है। यही इंडस्ट्री है, यही वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है, एक मिडिल क्लास अपर क्लास में जा सकता है। यही वो इंडस्ट्री है जहाँ कोई पैसे नहीं लगते अमीर बनने के, बड़ा सोचने के। यही वो इंडस्ट्री है जहाँ किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है काम करने के लिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जज्बा, कुछ करने का जज्बा। जिसके अंदर है वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में जरूर जीतता है, एक भी जरूर बड़ा बनता है। और दोस्तों याद रखना, इस इंडस्ट्री में जब तक आप लोग रहते हो रोज बैटिंग करनी है, लगातार बैटिंग करनी है। ये मत सोचना एक सेंचुरी बना दी तो अब मैं फिट हो गया, अब मैं सुपरस्टार हो गया। एक सेंचुरी वाला कभी सुपरस्टार नहीं होता, बार बार हर मैच में सेंचुरी बनाता है वही सुपरस्टार होता है। एक पिक्चर हिट करके कोई सुपरस्टार नहीं होता, बार बार हर पिक्चर हिट करना हमारा हर दिन हमसे कॉम्पिटिशन है। एवरी डे वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, एवरी डे वी आर इन अ परफॉर्मेंस। हर दिन हम एक अच्छी परफॉर्म करके देना, हर दिन हर रात हमारी आखिरी रात समझ के काम करना है, हर दिन हर रात, कि आज इतनी अच्छी मेहनत करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम होगा और ये बेस्ट होगा। ऐसे करके जब हम काम करते हैं तो हर दिन हम हर पिक्चर हिट करते हैं, हर दिन सेंचुरी मारते हैं और एक दिन सुपर स्टार, सुपर क्रिकेटर, सुपर नेटवर्कर हम बन सकते हैं। बशर्ते हर दिन हमारा जज्बा और हमारी हिम्मत सेम होना चाहिए। नेगेटिविटी नाम की चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल ना हो। नेगेटिव आदमी कभी पॉजिटिव जिंदगी जी ही नहीं सकता। कोई नेगेटिविटी अप्लायंस से, प्रोडक्ट से, कंपनी से अगर आप में है तो भाग जाओ, छोड़ दो। नेगेटिव आदमी पॉजिटिव काम नहीं कर सकता, पॉजिटिव आदमी ही पॉजिटिव काम कर सकता है। तो नेगेटिविटी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, नेगेटिव बातों के साथ रहना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दोस्तों यही वो रास्ता है, हम सब आम आदमी हैं, हम आम परिवारों के बच्चे हैं, याद रखना, ये भूल मत जाना। हमारी जरूरतें हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारे घर में दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, हम सब लोग आम आदमी हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारी जरूरत है ये बिजनेस, हमारे घर में दिक्कत है, उनको खत्म करने के लिए हमें यहाँ कामयाबी की निहायत ही जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हम लोग यहाँ पर भाई साहब टाइम पास करने नहीं आए, हम लोग अपनी दिक्कतें तकलीफों को खत्म करने आए हैं। अरे भाई साहब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी धक्के खा लो, इससे बाहर गए सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे सपने धूमिल हो जाएंगे, फिर वही सड़ी हुई जिंदगी तुम्हारे सामने जिसे छोड़ के तुम आना चाहते थे फिर वो तुम्हें मिल जाएगी। इसको छोड़ के मत जाना, यहाँ टिके रहना, खड़े रहना, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। चेक कम हो रहा है कोई बात नहीं, चेक ज्यादा है कोई बात नहीं, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, एक दिन जरूर बनेगा, एक दिन आपका भी जरूर आएगा लाइफ में। हर आदमी की लाइफ में एक दिन जरूर आता है दोस्तों, एक दिन जरूर आता है जब उसकी जिंदगी के सितारे बुलंदियों पे होते हैं। और हम लोग ना, याद रखना, हम लोग जरूरतमंद लोग हैं, हम लोग खाए पिए नहीं, हम लोग अरबपति खरबपति के बच्चे नहीं है कि हमें यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ ये हमारा जरूरत है, यही वो रास्ता है जो हमें बड़ा बना सकता है। यार बड़ा दुख तक जो आपको पता है मिडिल क्लास लाइफ क्या होती है, मैं क्या बताऊँ ना, साला भर पेट फ्रूट ला सकते हैं ना दूध ला सकते हैं, और क्या ये कोई जिंदगी होती है क्या यार? जो आदमी अपनी मर्जी का खा नहीं सकता, अपनी मर्जी का पहन नहीं सकता, वो क्या जिंदगी होती है? और वो मर्जी की जिंदगी जीने का मौका नेटवर्किंग देती है, डायरेक्ट सेलिंग देती है, एसएलपीएस वेलनेस देती है। मर्जी की जिंदगी जीने का मौका, इस मौके से बाहर मत चले जाना दोस्तों। मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ये मिल चुका है, अब फट्टे चकने हैं, अब अपनी अपनी हस्ती को बुलंद करना है, अब अपनी पहचान बनानी है, नाम बनाना है, सम्मान बनाना है, और अपने जीवन की हर दिक्कत को, हर तकलीफ को खत्म करना है, और अपने जीवन का हर सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने परिवार को दुनिया की सारी खुशियाँ ला के देनी है। जो खुशियाँ दौलत से आती है तो दौलत कमा के देनी है, ये आपको मेहनत करनी है, रुकना नहीं। और दोस्तों आने वाला फ्यूचर वेलनेस इंडस्ट्री, आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है। उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है
कि एसलीपीएस का हर फाइटर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस एवरी डे देगा, चाहे वो जूम मीटिंग पे देनी हो, चाहे फोन कॉल पे देनी हो, चाहे वीडियो कॉल पे देनी हो, चाहे गली मोहल्ले में जाके पड़ोसी के घर जाके देनी हो, लेकिन रोज बेस्ट देगा। और हर फाइटर सेल्फ 100 SP मुझ में है दम पक्का निकाल के देगा, 100 SP के प्रोडक्ट पक्का बेचेगा। अगर हम अब नहीं बेच सकते जबकि सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की बाजार को जरूरत है, लोगों को समाज को जरूरत है, तो हम कभी बेच भी नहीं सकते यार। अगर हम अब नहीं दे सकते अपने प्रोडक्ट तो कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आज हमारे प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा नीड है भाई। ये नहीं है कि उसको प्रोडक्ट देके हमें कितने पैसे आएंगे, अरे हमें वायरल डॉग 388 रुपए का बेच के क्या आएगा यार, 3 SP बेच के क्या आएगा। लेकिन अगर दो वायरल डॉग उसने ले लिए उसका जीवन बच जाएगा, वो बड़ी बात है, 500,000 रुपए में उसकी जिंदगी बच जाएगी दो वायरल डॉग पीने से। उसको सीवियर नहीं होगा, वो मॉडरेट नहीं होगा, उसको फायदा हो जाएगा। उसका फायदा है देश का, समाज के लोगों का फायदा, हमारा फायदा कम है। हमारा जितना होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, लेकिन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज के माहौल में हम 100 SP के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते तो फिर हम कभी नहीं बेच सकते। आज जरूरत है, कल हमें जरूरत पैदा करनी पड़ती थी, हमें समझाना पड़ता था बॉडी की सर्विस करो, ये करो, वो करो, भाई साहब बहुत जरूरी है। लेकिन आज लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, आज आपके लोग प्रोडक्ट हाथों हाथ लेंगे, बस आप समझाने वाले चाहिए। दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट, मास्क, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर प्लीज मत छोड़, प्लीज रिक्वेस्ट, सब कुछ मंजूर है मुझे, लेकिन किसी के घर परिवार में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, वो मंजूर नहीं है। बिजनेस काम आ जाएगा, मैं चला लूंगा कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, चल जाएगी, फिर चला लेंगे, 2-3 महीने बाद बूम मचा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने आप को सुरक्षित रखो, जो भी करना अपने आप को सुरक्षित। ये मेरी आपसे अरदास है, अरदास ही मांग रहा हूं आपसे, सुरक्षित रखो, मास्क के बिना घर से नहीं निकलो, मास्क कोई पढ़ाई नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों, जब ऐसा समय आता है देश के ऊपर, समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, वो समय हम सबका फर्ज बनता है यार, अपने लोगों के साथ खड़ा होना, समाज के साथ खड़ा होना, देश के साथ खड़ा होना। उस समय कालाबाजारी का ये इंसानियत नहीं है, कालाबाजारी का टाइम नहीं है, कालाबाजारी करना, लोगों का मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, लोगों के मजे लेने, ये एक इंसान का काम नहीं है, हैवान का काम है, राक्षस का काम है, इंसानियत में ये लिखा ही नहीं है कहीं। अरे ये टाइम है हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना, अपने देश के साथ खड़ा होना, अपने लोगों की मदद करना, जिस पे जो जो आदमी जितना सक्षम है मेरी कंपनी में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मदद आप लोगों की कर सकते हैं जरूर करें, जो भी कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं तो पानी पिलाएं, खाना खिला सकते हैं खाना खिलाएं, किसी के घर राशन पहुंचा सकते हैं गरीब आदमी के राशन पहुंचाएं, कोई ना कोई मदद करें, यही जाएगा साथ, इस दुनिया से कुछ साथ नहीं जाएगा, लोगों की आत्माओं तक पहुंचें। आपने सुना आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्माओं की दुआ लें, परमात्माओं का आशीर्वाद आपको अपने आप मिलेगा। हर एक व्यक्ति जो जिस काम में सक्षम है, जो मदद इस पैनेडेमिक माहौल में समाज की, देश की कर सकता है, वो आगे बढ़े, आगे आए, पीछे मत रहे, मत आगे आए, पीछे मत रहो, आगे आओ, करो देश की मदद, समाज की मदद। इस समय हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना, अपने देश के साथ खड़ा होना, मदद करो, हर तरह की मदद करो, जो कर सकते हो वो करो। एसलीपीएस वेलनेस हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अब सोच ही सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बाकी किसी की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते। बहुत से लोग हमारे चले गए, हमने एक सुरक्षा योजना बनाई, चलो चल रही है, हम लोग उस पर काम करते हैं, उनके परिवारों की मदद हमारी तरफ से चलती रहती है, ये तो कर सकते हैं। किसी का गया हुआ व्यक्ति तो वापस नहीं ला सकते, वो सबसे बड़ी दुख की घड़ी होती है। फिर भी ऐसा ना हो, भगवान ना करे, अल्लाह खुदा गॉड भाई गुरु रहमत बख्शे एसलीपीएस फाइटर्स पे, किसी के परिवार में, किसी के घर पे ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई भी घटना कोरोना से, कोरोना डिजीज से आज के बाद 3 महीने तक अगर एसलीपीएस वेलनेस के किसी जो 1 साल से ज्वाइन है,
अमराल से ऊपर तो हमारी परिवार सुरक्षा योजना है ही, वो तो चलती रहेगी, वो कोरोना भी उसमें कैटर किया जाएगा। अगर कोरोना से भी किसी का, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए यार, बोलना ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। फिर भी कुछ भगवान ना करे अनहोनी हो गई तो अमराल एंड अपर लेवल की योजना तो चली रही है, परिवार सुरक्षा योजना, उस पर तो हम काम करेंगे ही करेंगे। बाकी अगर इस एक साल में जो व्यक्ति हमारी कंपनी में ज्वाइन हुआ, वो चाहे ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, ये चार रैंक जो हैं, इनके लिए भी 1,00,000 रुपये कोरोना रिलीफ फंड कंपनी देगी। अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई घटना हो गई और वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, तो उसके परिवार के लिए 1,00,000 रुपये का अनुदान राशि कंपनी देगी। यही कर सकते हैं, आदमी तो किसी का वापस ला के नहीं दे सकते, लेकिन जो मदद करी जा सकती है, एक छोटी सी कंपनी, हम कोई 10,000-50,000 करोड़ की तो है नहीं, आपको भी पता है, जितनी मदद हम कर सकते हैं लोगों की वो करने की कोशिश करते हैं और हमेशा करेंगे। पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, स्लीपलेस फाइटर के साथ मत करना, ऊपर वाले ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत प्यारे लोग हैं, इनके साथ मत करना। हम सब लोग टकाटक रहेंगे, बस पॉजिटिव रहना है, कोरोना को भूल के काम करना है कि कोरोना है ही नहीं। माइंड जितना पॉजिटिव रहेगा, बॉडी इतनी हेल्दी रहेगी। तो एक योजना आज से 3 महीने तक है ये, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम के लिए। अगर किसी के भी आईडी कंपनी में लगी हुई है और कोरोना से उसके अनहोनी हो गई है और वो दुनिया से चला गया, तो 1,00,000 रुपये का रिलीफ फंड, कोरोना रिलीफ फंड एसलीपीएस वेलनेस उस परिवार को दे। दूसरा देखो, बात ये है कि ये तो जो भी काम हो दिल से होना चाहिए, दिखावा बिखावा होना नहीं चाहिए। ये कोई ये नहीं है कि भाई 1,00,000 रुपये की घोषणा करके संजीव कुमार देवता बन गया, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसे कोई और बड़ा बन गया, अच्छा आदमी बन गया, नहीं, जो हो तो दिल से हो, ये दिल से है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार में आईडी लगाई, एक रैंक बेचारे ने अचीव करा, उसके सपने थे, पिछले 1 साल तक के लोगों को इसमें लेंगे, जो छोड़ के चले गए उनको लेंगे नहीं, हमारे साथ खड़ा हुआ है, कुछ हो गया हमसे हो गई मदद, अरे हम भी क्या है यार, तुच्छ आदमी हम क्या है, हम किसकी मदद कर सकते हैं, ऊपर वाले ने हमें दिए 2 रुपये तो हमने किसी की कर दिया, हमारे पास ही ना होते हम खुद कटोरा हाथ में होता हम किसकी मदद करते, पर ये परमात्मा ने दिया तो शेयरिंग एटीट्यूड है कि ठीक है भाई हमारे पास है तो किसी परिवार की मदद कर देना, कुछ ना कुछ तो बेचारों को सहारा मिलेगा, कुछ ना कुछ परिवार को सहारा मिलेगा। और वो मदद मेरी, मैंने नहीं की ये बात, मैंने नहीं की, मुझे आप लोग क्रेडिट मत दिया करो, आई डोंट वांट एनी क्रेडिट, ये मदद एसलीपीएस के हर फाइटर ने की है, जिसकी भी मदद एसलीपीएस जहां भी करती है हर फाइटर का खून पसीना उसमें लगा हुआ है, जितने फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, एमराल्ड है, टोपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, ब्लू डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है, एम्बेसडर तुम सबका पसीना है उस पैसे में, मदद पैसे के बिना नहीं होती, पैसे से ही होती है, वो आप सबने की है, मेरी अकेले को क्रेडिट कभी मत दिया करो, हम सब मदद करते हैं, मैं सिर्फ एक जरिया हूं, सर्वे सर्वा नहीं हूं, सर्वे सर्वा आप लोगों, आप हो तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, और मुझे कुछ बनना भी नहीं, और मुझे कोई क्रेडिट लेना भी नहीं, और मुझे कोई इनाम चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, और इसके साथ समाज की सेवा, किस किस रूप में हम समाज की आने वाले समय में सेवा करें, और जब जब देश में दिक्कत आए तो हम कब कब अपने देश और समाज के लोगों के साथ किस रूप में खड़े हों। उसके बाद दूसरा, आज इस संकट की घड़ी में देश की सबसे ज्यादा जो मुझे लगा दिक्कत जो हो रही है, वो अस्पतालों के बाहर जो लाइन लगी हुई है, जो लोग आए हुए हैं इधर उधर से बेचारे, कहीं कहीं से अपने मरीज को लेकर परेशान लोग, उनको नहीं देखा जाता, आंखें नम हो जाती है, दिल को तकलीफ होती है, कौन कहाँ से आया इलाज कराने, कोई कहाँ से आया है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है पता नहीं, रहने के पैसे नहीं है पता नहीं, और जिन शहरों में लॉकडाउन हो गया तो वहाँ तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं जहाँ उसको बेचारे को खाना मिल जाए। तो इसलिए एसलीपीएस वेलनेस एक अगले 30 दिन, 2-4 दिन में प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं हम लोग, फीड द नीडी एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम, एक मिशन, फीड द नीडी मिशन, 3,00,000 लोगों को, हमारे ब्लैक डायमंड एंड अबव जितने भी लोग हैं, 19 शहर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 19 शहरों में ब्लैक डायमंड की जिम्मेदारी देंगे, और 19 शहरों में पर डे 500 फूड पैकेट बांटे जाएंगे, मतलब रोज के 10,000 फूड पैकेट 19 शहरों में बांटे जाएंगे, मतलब इस महीने हम
3 लाख लोगों को फीड करेंगे फीड द नीडी प्रोग्राम के तहत, उन लोगों को जो अस्पतालों के बाहर जो लोग हैं वहाँ गाड़ी जाएंगी, और हमारे जो ब्लैक डायमंड है नबब है उनको मैं ये जिम्मेदारी दूंगा, उनसे मीटिंग करूंगा और वो सभी लोग जिम्मेदारी लेंगे। 19 शहर हम लोग सेलेक्ट करेंगे हिंदुस्तान के बड़े बड़े, और 19 शहरों में फीड द नीडी एक प्रोग्राम चलेगा SLPS फाउंडेशन की तरफ से। रोज के 500 पैकेट, मतलब पूरे हिंदुस्तान में रोज के 10 से 12 हज़ार पैकेट, और एक महीने में 3 से 3.5 लाख लोगों को आप लोग मजबूर लोगों को, बीमार लोगों को, लाचार लोगों को, परेशान लोगों को, आप लोग मिलकर, हम सब मिलकर 3 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था करेंगे, 3 लाख लोगों को भोजन दे के आएंगे। इस महीने हम इस सिचुएशन में अपने देश के साथ और समाज के साथ इस तरह से खड़े होंगे, क्योंकि जब तक जिंदगी है, सांस में सांस है, हम सब लोग अपने देश और समाज को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देश है तो हम है। और संकट की घड़ी में हर आदमी को बढ़ चढ़ के काम आगे आना चाहिए, और आप भी जितने भी लोग हैं जो सक्षम है, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, जितने भी सक्षम है, आप भी जो चाहो करो समाज के लिए, संकट की घड़ी में कुछ ना कुछ करो। देखो ये जितना भी प्रोग्राम होगा, जितने भी लोग खाना खाएंगे, सब आपको दुआ देंगे, और 3 लाख लोग अगर आपको दुआ देंगे और वो पूरी 3 लाख की 3 लाख लग गई, तो हमारे 3 लाख लोग तो पक्के करोड़पति बनेंगे, ये भी क्लियर है, क्योंकि परमात्मा ही साथ देता है, साथ लेता है, उस ऊपर वाले का नियम है। आप लोगों के लिए अच्छा करोगे वो आपके लिए हमेशा अच्छा करेगा, आप लोगों के लिए अच्छा सोचोगे वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, और जब 3 लाख लोगों की आत्माएं SLPS वेलनेस को दुआएं देंगी, SLPS फाइटर्स को दुआएं देंगी, तो SLPS वेलनेस का हर फाइटर करोड़पति अरबपति जरूर बनेगा। और जाते जाते फिर एक बार, घबराना नहीं, मैं हूं, टेंशन मत लेना, हर तरह से साथ में हूं, हर तरह से साथ में रहूंगा, जब तक जीवन है आपके साथ खड़ा, कदम से कदम मिला के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे, अच्छे अच्छे काम भी करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिएंगे SLPS के सभी फाइटर, ऐसी जिंदगी जिएंगे कि हम सब लोग दुनिया से चला जाए लेकिन लाख हजारों साल तक हमारा और आपका नाम मिट नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे काम इस दुनिया में रह के हम लोग करेंगे, और इसीलिए SLPS बनी थी, यही SLPS का मिशन है, यही SLPS का विजन है, और ये SLPS करके रहेगी, और इसमें SLPS के हर फाइटर का साथ है। और एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, यूज करते हो नहीं करते हो, जर्मीडोक, ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता सा प्रोडक्ट है, ये सबसे अच्छा सैनिटाइजर है इस हिंदुस्तान में, एक भी सैनिटाइजर इसकी तक्कर का आपको नहीं मिलेगा। आप लगाओगे तो आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस तरह जहां बैठो यहां मारो, मोबाइल पे मारो, मास्क पे मारो, इस ऐसा सैनिटाइजर बनाया है हिंदुस्तान के अंदर कि सैनिटाइजर जितने भी लोग इस्तेमाल करेंगे आपसे दोबारा मंगाएंगे। इसको जेब में डाल के ही घर से बाहर निकलना, इसके बिना घर से बाहर नहीं निकलना। ये पॉकेट फ्रेंडली इसलिए बनाया था कि आप लोग कहीं भी जाओ, मोबाइल में मारो, अपनी सीट पे मारो, हाथों में मारो, और इस जर्मीडोक का पूरा इस्तेमाल करो, और सारे हमारे प्रोडक्ट जो हैं हर घर में अपने इस्तेमाल करो, अपने घर में। गोल्डन मिल्क के बिना सोना नहीं, बीटा डोक पक्का लेने का, वायरल डोक लेने का, गिलोय का जूस इस्तेमाल करें, तुलसी इस्तेमाल करें, आयुष स्वाद इस्तेमाल करें, डरे घबराए बिल्कुल नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब सिचुएशन सेम होगी और फिर फटे चक देंगे। पिछले साल भी 24 अप्रैल के बाद इतिहास बना था, इस साल भी इतिहास बनेगा, और इतिहास के बनाने में जितने लोग शामिल हैं वो सब SLPS के फाइटर होंगे, और फाइटर हमेशा जीतता है, हारता नहीं है। अगर कोविड हो भी जाए तो हारने का नहीं, उसको बोलने का मुझको हुआ फाइटर को, मैं जीतूंगा, मैं नहीं हारूंगा, कॉन्फिडेंस से लड़ना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, ध्यान रखना, सेफ रहना, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।